हेलो स्टूडेंट्स आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन केनिस एजुकेयर टुडे वी आर सॉल्विंग एक्सरसाइज नंबर टेन पॉइंट फाइव ऑफ योर चैप्टर सर्कल्स दिस चैप्टर इज फ्रॉम योर नाइन्थ मैथमेटिक्स एन सी सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर वन इन फिगर ए बी सी आर थ्री पॉइंट्स ओके देखिए ए बी सी दिस थ्री आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कल विद अ सेंटर ओ दैट एंगल बी ओ सी देखिए बी ओ सी दिया है थर्टी डिग्री एंड ए ओ बी दिया है सिक्सटी डिग्री ठीक है तो स्टूडेंट्स अगर यहां पर सिक्सटी प्लस थर्टी कितना हो जाएगा ये 90 हो जाएगा तो एंगल ए डी सी कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ ये yes, इसका ये हाफ होगा करेक्ट इफ डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल और डी सी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया वो कितना होगा इट्स अ फोर्टी फाइव डिग्री वाई इट इज नोन दैट एन एंगल विच द सेंटर ऑफ द सर्कल is double the angle subtended by that arc at any point on the remaining part of the circle. Okay, so we get the angle ADC is equal to 45 degree. Now let's uh, uh, solve this question number two. A chord of a circle is equal to the radius of the circle. What do you Chord is equal to the circle. Find the angle subtended by the chord at the point on the minor arc and also at a point on the मेजर ठीक है सो देखिए तो यहाँ पर एक कॉर्ड है ए बी और ये ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ ए इज इक्वल टू हो जाएगा बिकॉज इट्स इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल इन अ सर्कल विद अ सेंटर ओ एंड इट्स रेडियस ओ ए एंड ओ बी आर इक्वल टू द कॉर्ड ए बी सो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए एंगल सबेड बाई द कॉड एट अ माइनर एंड मेजर आर्क दैट इज द फाइंड एंगल ए सी बी हमें क्या करना है ए सी बी ये वाला एंगल एंड एंगल ए डी बी ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है ओके सो लेट सी एंड डी बी द पॉइंट्स ऑन द मेजर एंड माइनर आर्ग ऑफ द सर्कल रिस्पेक्टिवली सो ज्वाइन सी एंड डी विद ए ए एंड बी ओके अपने यहाँ पर सी एंडी देखे हमने ज्वाइन किया है सो स्टूडेंट्स नाउ ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी सो ट्रैंगल ओ ए भी क्या हो जाएगा कर इट्स अ इक्विलेटल ट्रैंगल सो एंगल ए ओ बी क्या हो जाता है सिक्सटी डिग्री बन जाता है बिकॉज इट्स अ इक्विलेटल ट्रैंगल सो देयर फोर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री वी गेट ना वो एंगल ए सी बी क्या हो जाएगा ए सी बी इट्स अ हाफ ऑफ ए ओ बी द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एंड एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल ठीक है सो वी गेट ए सी बी इज इक्वल टू थर्टी डिग्री सो नाउ ए डी बी सी इज़ अ साइक्लिक कॉर्डर लैटल देखिए ए बी सी डी यहाँ पर क्या देखिए ए सी देन उसके बाद uh, मतलब ये वाला ए डी बी सी ये वाला जो है साइक्लिक कॉटलेट्रल मिलता है इसमें क्या होता है, हैल आर सप्लीमेंट्री सो दैट्स वाई ए डी बी प्लस ए सी बी इज इक्वल टू वन एटी डिग्री सो वी गेट ए डी बी इज इक्वल टू वन फिफ्टी डिग्री ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एंगल पी क्यू आर इज इकल टू हंड्रेड डिग्री एंगल पी क्यू आर दिया है हंड्रेड डिग्री ठीक है सो वेयर पी एंड क्यू एंड आर ऑन द points ऑन द सर्कल तो हमें फाइंड आउट करना है ओपीआर ओके okay? तो ओ पी आर ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है ये कितना होगा ठीक है तो students देखिए ओ पी आर में यहां पर देखिए ओपी इज इक्वल टू ओ आर है बिकॉज यहां पर both आर द रेडियस ऑफ द सर्कल correct ऑलरेडी आपको पता है कि रेडियस ऑफ द सर्कल है ठीक है तो स्टूडेंट्स आपको अगर ये एंगल कर पता होगा तो आप आसानी से ये वाले एंगल आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो कैसे बिकॉज स्टूडेंट्स सम ऑफ सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ट्राइंगल्स ऑल द एंगल्स ऑफ द ऑफल इज वन एटी डिग्री अलग आपको कंसेप्ट पता है तो देखिए स्टूडेंट्स सिंस एंगल विच इज सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल ठीक है सो द रिफ्लेक्स पी ओ आर देखिए पी आर इज इक्ल टू ऑफ पी क्यू आर हो जाएगा क्यों ऐसे जल्दी से बताओ यहाँ पर ऑलरेडी अपने कंसेप्ट लर्न किया था अभी हमने ये लर्न भी किया है सो वी नो दैट वैल्यूज ऑफ एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हंड्रेड डिग्री सो एंगल पी ओ आर क्या हो जाता है इट्स अ ट्वाइस सो वी गेट टू हंड्रेड ओके सो पी ओ आर यहाँ पर वन सिक्सटी डिग्री ट्वाइस ऑफ हंड्रेड मतलब टू हंड्रेड यहाँ पर पी ओ आर इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी माइनस टू हंड्रेड वी गेट वन सिक्सटी डिग्री ठीक है सो नाउ इंटर एंगल पी ओ पी आर ओ पी एंड ओ आर आर द रेडिया ऑफ द सर्कल सो ओ पी इज इक्वल टू ओ रो आर हो जाएगा सो नाउ वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स इज इक्वल टू वन एटी डिग्री करेक्ट सो देर फोर ओ पी ओ आर प्लस ओ पी आर प्लस ओ आर पी इज इक्वल टू वन एटी डिग्री सो वन एटी माइनस वन सिक्सटी तो यहाँ पर ओ पी आर इज इक्वल टू ओ आर पी है सो दैट्स वाई ट्वाइस ऑफ ओ पी आर इज इक्वल टू वी गेट एट ट्वेंटी मतलब ओ पी आर मिल जाता है हमें टेन डिग्री ठीक है चलो तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी इज इक्वल टू सिक्स डिग्री ए सी बी इज इक्ल टू थर्टी वन डिग्री फाइंड एंगल बी डी सी हमें क्या करना है बी डी सी फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है ओके okay? तो स्टूडेंट देखिए नाइन है ये थर्टी नाइन है तो आप यहाँ पर ये वाला एंगल आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो अगर ये मिल गया तो ये भी आप आसानी से बता सकते हो करेक्ट बिकॉज दिस टू यहाँ पर देखिए ये दोनों भी एंगल यहाँ पर कहाँ पर है एक सेम आर्क में भी है ठीक है सो वी नो दैट एंगल्स इन द सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल सो दैट बी एस सी इज इक्वल टू बी डी सी हो जाएगा बी एस सी इज इक्वल टू बी डी सी करेक्ट सो नाउ इन द ट्रैंगल ए बी सी सम ऑफ ऑल इंटर एंगल्स इज वन एटी डिग्री सो दैट्स वाई वी गेट बी एस सी इज इक्वल टू एटी डिग्री करेक्ट सो दैट्स वाई अगर बी एस सी एटी डिग्री है इसका मतलब ये जो बी डी सी है ये भी क्या हो जाता है एटी डिग्री ही मिल जाता है ठीक है द नेक्स्ट क्वेश्चन ए बी सी डी आर फोर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल ए बी सी डी क्या है सर्कल so, के ऊपर एक पॉइंट्स है ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ई ई सज दैट बी ई सी इज इक्ल टू बी ई सी इज ईक्ल टू वन थर्टी डिग्री दिया है ई सी डी इज ईक्ल टू ट्वेंटी डिग्री दिया है अगर यहाँ पर देखिए ई सी डी ई सी डी ट्वेंटी डिग्री है तो ए बी डी भी यहाँ पर ट्वेंटी डिग्री हो जाएगा करेक्ट ये वन थर्टी है तो ये भी यहाँ पर वन थर्टी हो जाएगा अपोजिट एंगल है ठीक है एंड देन स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर ए बी सी ओके ए बी सी ये वाला आप अगर ए डी सी अगर आपको पता है तो आप ये भी एंगल आइडेंटिफाई कर सकते हो ठीक तो है तो स्टूडेंट्स देखिए फाइंड बी ए सी हमें क्या करना है बी ए सी मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है ठीक है आई बस समझ में आपको कौन सा एंगल हमें फाइंड आउट करना है आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर ये 130 दिया है तो ये लीनियर एंगल हो जाएगा यहाँ पर सो ए ई बी प्लस ई बी ई सी यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगा सो वी गेट इजिली दिस एंगल ये मिल गया ये है हमारे पास तो ये कितना आसानी ना फाइंड आउट करने के लिए करेक्ट सो so, चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं वी नो दैट द एंगल्स इन द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल सो एंगल बी ए इज इक्वल टू एंगल सी डी नाउ बाई यूजिंग द एक्स्ट्रा एंगल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रैगल इससे भी आप यहां पर देखिए एक्स्ट्रा एंगल है यहां पर ये और ये इन दोनों की एडिशन वन थर्टी के बराबर होती है सो सी बी इज इक्वल टू सी डी प्लस डी सी वी नो दैट एंगल डी सी इज इक्वल टू ट्वेंटी डिग्री सो एंगल सी डी इज इक्वल टू हंड्रेड एंड टेन तो बी एस सी एंड सी डी आर इक्वल सो बी एस सी हमें मिलता है हंड्रेड एंड टेन डिग्री ठीक है ए बी सी डी इज अलिक कॉटरल देखिए यहाँ पर ए बी सी डी हमने यहाँ पर ऑलरेडी ड्रॉ किया है हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई उसके डायगोनल्स यहाँ पर ई पे इंटरसेक्ट होते हैं इफ़ डी बी सी देखिए डी बी सी यहाँ पर सेवेंटी डिग्री है बी ए सी यहाँ पर देखिए थर्टी डिग्री है एंगल बी सी डी हमें फाइंड आउट करना है बी सी डी मतलब ये वाला एंगल हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है फर्दर ए बी इज इक्वल टू बी सी है मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी उन्होंने दिया है फाइंड एंगल ई सी डी ओके तो यहाँ पर ई सी डी हमें उसके बाद फाइंड आउट करना ई सी डी मतलब ये वाला एंगल कितना होगा ये हमें आइडेंटिफाई करना है ओके सो कंसिडर द कॉर्ड सी डी हम सी डी को कंसिडर कर लेते हैं सो वी नो दैट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल तो एंगल सी बी डी इज इक्वल टू सी ई डी हो जाएगा सही बात है तो स्टूडेंट्स सी ए डी इज इक्वल टू सेवेंटी डिग्री हमें मिल जाता है सी ए डी देखिए सी ए डी मतलब ये हमें सेवेंटी डिग्री मिल जाएगा ठीक है सो नाउ बी ए डी विल बी इक्वल टू द सर्म ऑफ एंगल्स बी ए सी एंड सी ए डी करेक्ट सो वी गेट बी ए डी देखिये बी ए डी ये टोटल हमें मिल जाता है कितना 100 डिग्री मिल जाता है सो वी नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक साइक्लिकॉर्डिलेटर्स सम्स अप टू 180 एटी डिग्री सो ऑलरेडी उन्होंने गिवन क्या दिया था कि ए बी सी डी द साइक्लिक कॉर्डिलेटर तो ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा टोटल ये 80 बन जाता है सो वी गेट बी सी डी इज इक्वल टू एटी डिग्री नाउ कंसिडर इन ट्रैंगल ए बी सी में देखिए हियर इट्स गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी ए बी इज इक्वल टू उन्होंने बी सी गिवन दिया है मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर इक्वल दिया है ए बी इज इक्वल टू बी सी सेकेंड कंडीशन ऑलरेडी हमने बी सी डी फाइंड आउट किया यहाँ पर 80 डिग्री मिला नाउ सेकंड कंडीशन की तरफ से ए बी अगर बी सी से इक्वल है मतलब ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा ये यह भी यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा बिकॉज इट्स आइसोस केल्स ट्राइंगल प्रॉपर्टी ओके सो बी सी ए हमें मिल जाता है थर्टी डिग्री अल्सो बी सी डी यहां पर एटी डिग्री है तो बी सी ए प्लस ए सी डी इज इक्वल टू एटी डिग्री सो ए सी डी हमें मिल जाता है फिफ्टी डिग्री तो ई सी डी हमें कितना मिल जाएगा फिफ्टी डिग्री ओके okay? चलो इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रलेटरल प्रूव दैट इट्स अ रेक्टेंगल हमें वो रेक्टेंगल है हमें प्रूव करना है देखिए स्टूडेंट्स ड्रॉ साइक्लिक क्वाड्रलेटरल ए बी सी डी इनसाइड अ सर्कल विद अ सेंटर ओ सच दैट इट्स डायगोनल ए सी एंड बी डी आर टू डायमीटर्स ऑफ द सर्कल देखिए इस तरीके से यहां पर हमने साइक्लिक कॉर्डोलेट्रल ड्रॉ किया है सो वी नो दैट एंगल्स इन सेमी सर्कल आर इक्वल तो ए बी सी ए बी सी इज इक्वल टू बी सी डी इज इक्वल टू सी डी ए इज इक्वल टू डी ए बी यहाँ पर नाइनटी डिग्री हो जाता है सो एज इच इंटरनल एंगल इज नाइंटी डिग्री इट कैन बी सेड दैट दैट्रल ए बी सी डी इज अट एंगल करेक्ट इफ द नॉन पैरल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल यहाँ पर देखिये नॉन पैरल साइड उन्होंने कहा है मतलब ये वाली यहाँ पर जो साइड्स होती है ट्रेपेजियम की वो क्या है इक्वल है तो प्रू दैट इट्स अ साइक्लिक वो साइक्लिक हमें प्रू करना है सो स्टूडेंट्स देखिये कंस्ट्रक्शन uh, का हमने क्या किया एम एंड बी एन यहाँ पर ड्रॉ किया है सच एज ए एम इज परपेंडिकुलर विथ सी डी एंड बी एन इज परपेंडिकुलर विथ सी डी तो इन ट्राइंगल ए एम डी एंड बी एन सी द डायग्राम विल लुक लाइक देखिए इस तरीके से तो इन ट्राइंगल ए एम डी एंड बी एन सी ए डी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा ए डी इज इक्वल टू बी सी ऑलरेडी उन्होंने गिवन दिया था कि ट्रैपेजियम के नॉन पैरला साइड्स क्या है इक्वल है सो एंगल ए एम डी इज इक्वल टू एंगल बी एन सी बाय कंस्ट्रक्शन इज नाइनटी डिग्री

आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल ए डी मतलब इन दोनों की स, सम क्या हो जाएगी सप्लीमेंट्री हो जाएगी सो बी ए डी प्लस ए डी सी इज इक्वल टू वन एटी डिग्री सो यूजिंग द इक्वेशन नंबर वन से हम कैसे देखें एक जस्ट वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट कर दी कि बी ए डी प्लस बी सी डी इज इक्वल टू वन एटी डिग्री तो स्टूडेंट्स देखिए बी ए डी ये है बी ए डी मतलब ये रहा एंड बी सी डी मतलब ये रहा तो मुझे बताओ यहाँ पर इन दोनों की अगर एडिशन वन डिग्री है तो ये यहाँ पर हो जाता है ना एंगल्सिग्री है सप्लीमेंट्री um, है साइक्लिकल टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट बी एंड सी देखिये टू सर्कल है बी एंड सी पे इंटरसेक्ट होते है थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट एबीडी एंड पीबी क्यू आर ड्रॉन ओके तो यहाँ पर देखिये स्टूडेंट यहाँ पर ए बी डी ए बी डी देखिए ए बी डी यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है एंड देन उसके बाद पी बी क्यू ये वाली ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी है ठीक है इंटरसेट सर्कल एट ए एंड डी तो ए डी पी क्यू रिस्पेक्टिवली तो प्रूव दैट ए सी पी ए सी पी मतलब ये वाला एंगल किससे प्रूव करना है इक्वल क्यू सी डी से तो क्यू सी डी मतलब इससे यहाँ पर इक्वल है हमें बताना है ठीक है तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं सो ज्वाइन द कॉर्स ए पी हम क्या करते हैं ए पी को ज्वाइन कर लेते हैं तो मैंने यहाँ पर ए पी को ज्वाइन किया एंड देन डी क्यू को भी ज्वाइन किया ठीक है तो यहाँ पर डी क्यू को भी मैंने ज्वाइन किया सो फॉर कॉर्ड ए पी वी नो दैट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल सो पी बी ए इज इक्वल टू ए सी भी हो जाएगा पी बी ए यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू क्या हो जाता है ए सी पी हो जाएगा करेट सही बात है देन स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए डी सी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है डी बी सी हो जाता है तो ये इससे इक्वल हो जाएगा और स्टूडेंट्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों भी इक्वल है बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो अगर ये दोनों इक्वल है तो ये क्यों नहीं होंगे आसान है सो दैट्स वाई सिमिलरली द कॉर डी क्यू तो एंगल डी बी क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी देखिए डायग्राम तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रही थी बट कितना आसान क्वेश्चन था ना ये सो इट्स नो दैट ए बी डी एंड पी बी क्यू आर टू लाइन सेगमेंट्स विच आर इंटरसेक्टिंग एट बी सो एट बी द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल सो एंगल पी बी ए इज इक्वल टू एंगल डी बी क्यू यहाँ पर मिल जाता है सो फ्रॉम इक्वेशन वन टू थ्री गेट एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी इफ सर्कल्स आर ड्रॉ ऑन टेकिंग टू साइड ऑफ अर ट्रैगल्स एज अ डायमी प्रू दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दर्कल्स लाइ ऑन द थर्ड साइड ठीक है तो स्टूडेंट्स देखिए फर्स्ट ड्रॉ द ट्रैंगल ए बी सी एंड देन टू सर्कल्स हैविंग डायमीटर एज ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली वी विल हैव टू नाउ प्रू दैट डी लाइज ऑन बी सी एंड बी डी सी इज अ स्ट्रेट लाइन ठीक है तो बी सी यहाँ पर स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ किया देखिये डायग्राम आपके ऐसे बनेगी ए पॉइंट बी पॉइंट C point and a D point so proof dekhe we know that angle in semicircle are equal so angle ADB is equal to ADC is equal to 90 degree so hence ADB plus ADC is equal to 180 degree so angle BDC is a straight line so it can be said that D lies on the line BC ABC बी ADC एंड ए आर टू राइट ट्रायंगल्स विथ कॉमन हाइपोटीनियस AC तो प्रूव दैट एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD ठीक है देखिये स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ कर दिए है वी नो दैट ए सी इज द कॉमन हाइपोटेनियस एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी देखिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी ये वा रहा 90 डिग्री ठीक है ए डी सी एंड ए बी सी तो स्टूडेंट्स नाउ इट हैज टू प्रूव दैट सी ए डी इज इक्वल टू सी बी डी हमें प्रूव करना है सिंस एंगल ए बी सी एंड एंगल ए डी सी आर नाइन्टी डिग्री इट कैन बी सेड दैट दे आर लाइन इन द सेमी सर्कल ओके बिकॉज ऑलरेडी आपको पता है कि यहाँ पर अगर ए सी डायमीटर है तो ए बी सी एंड ए डी सी यहाँ पर नाइन्टी डिग्री ही होने वाले है सो ट्रैगल्स ए बी सी एंड ए डी सी आर इन द सेमी सर्कल्स एट द पॉइंट ए बी सी आर कॉन्साइकलीग हिन्स सी डी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ एंगल्स विच आर इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्क्रक्वल तो सी ए डी सी ए डी ये वाला एंगल सी बी डी से यहाँ पर इक्वल बन जाएगा ठीक है समझ में आ गया चलो तो स्टूडेंट्स प्रू दैट साइक्लिक पैरोलोग्राम इज अरेक्टेंगल ठीक है चलो इफ इट इज गिवन दैट एबीसीज अइक्लिक पैरोलोग्राम एंड वी हैव टू प्रू दैट ए बी सी डी इज अ रेक्टैंगल देखिये डायग्राम यहाँ पर सो लेट ए बी सी डी इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम तो एंगल ए प्लस सी क्या हो जाता है वन एटी डिग्री हो जाता है ये और ये वन एट डिग्री बी प्लस डी यहाँ पर वन एट डिग्री हो जाएगा बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक साइक्लिकल इज आर द सप्लीमेंट्री सो वी नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरोग्राम आर इक्वल तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी सो वी गेट एंगल ए एंगल सी एंगल बी एंड एंगल डी ऑल आर द 90 डिग्री सो पैरेललोग्राम ए बी सी डी हैज़ वन ऑफ इंटर इज 90 डिग्री सो दैट्स वाई ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल ठीक है तो स्टूडेंट्स जो भी आपने कंसेप्ट अब तक लर्न किया ये सभी आप देखिए अभी जैसे जैसे आप आगे आगे चैप्टर में जाएंगे नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाएंगे आप क्या कर रहे हो अभी जो भी आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किया था बेसिक बेसिक कंसेप्ट सभी यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं ठीक है जैसे कि यहाँ पर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हो गई सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है पैरल लाइन्स यहाँ पर देखिए ट्रांसवर्सल उसका उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स उसके इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या है दे आर सप्लीमेंट्री देन सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं साइक्लिक कॉड्रोलेट्रल कॉर्ड्रोलेट्रल के आपने टाइप्स लर्न किए थे तो ये सभी क्या हो रहे हैं अभी यहाँ पर कहीं ना कहीं छोटी छोटी जगह पर इंप्लीमेंट हो रहे हैं okay? ओके तो स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरीके से बेसिक कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान देना है ठीक है तो आप इसी आसानी से ये सभी क्वेश्चन देखिए कितना कि ये सभी क्वेश्चन बहुत ही आसानी है इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है जस्ट आपको ये बेसिक कंसेप्ट पता हो मतलब आपको देखिए आपको ये अभी जो मैंने अभी सोल्यूशन आपको दिए इस पूरे एक्सरसाइज में आपको ये से वैसे ही वैसे कॉपी नहीं करना है ठीक है दीज आल और फॉर ओनली योर गाइडेंस ये आपके गाइडेंस के लिए है आपको कॉपी करने के लिए नहीं दिया है ठीक है स्टूडेंट्स आपको ये स्टेप वाइज क्यों दिया है बिकॉज जस्ट आपको आइडिया है कि आपको ऐसे ऐसे सोल्यूशन लिखना है बट स्टूडेंट्स आपको ये सोल्यूशन कॉपी करना नहीं है आपको खुद से स्टेप वाइज ट्राई करना है जैसे कि देखिए प्रूव दैट उन्होंने गिवन क्या दिया था यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको अभी मैं बता देता हूं क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है सो प्रू साइक्लिक पैरोोग्राम क्या दिया है यहां पर एक पैरोलोग्राम दिया है तो पेलोग्राम कैसा होता है ऐसा होता है पेरोग्राम तो पैरोोग्राम के कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं वो आपको पता होनी चाहिए यहां पर देखिए पैरोग्राम के ऑलरेडी पता है यस पैलोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं पैरल होते हैं एंड एकवल होते हैं अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं यहाँ पर देखिए ये दोनों यहाँ पर सप्लीमेंट्री होते हैं ये दोनों एंगल यहां पर सप्लीमेंट्री हो जाएंगे ठीक है और साइक्लिक पैरोोग्राम में क्या हो जाएगा साइक्लिक पैरोग्राम में अपोजिट एंगल्स यहां पर सप्लीमेंट्री हो जाएंगे तो हमें उसे रेक्टेंगल शो करना है मतलब अगर यहाँ पर एक एंगल अगर हम नाइन्टी डिग्री शो कर पाए पैरोग्राम में मतलब ये क्या हो जाता है रेक्ट एगल हो जाता है ये ऑलरेडी कम से कम सेप्ट कॉर्डिलेटर में लर्न किया था कि पैलोग्राम की एक एंगल अगर नाइन्टी डिग्री बने तो वो रेक्टेंगल बन जाता है तो जस्ट आपको क्या करना है इस साइकिलिक पैरोग्राम में एक एंगल नाइन्टी डिग्री शो करना है इंटीरियर एंगल सो वी कैन ईजिली से दैट दिस इज द रेक्टेंगल कितना आसान क्वेश्चन ना येस तो आपको ये स्टेप वाइज ट्राई करना है थोड़ा सा ट्राई करिए अगर नहीं जम रहा है नहीं समझ में आ रहा है तो सोल्यूशन देख लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं बट खुद से ट्राई करिए ठीक है, है तो इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर टेन पॉइंट फाइव यहां पर एंड होती है तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में थैंक यू